हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने वेब पेज में YouTube का वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, अपने वेब पेज में YouTube का वीडियो या कोई भी वीडियो हम लोग कैसे डाल सकते हैं, या कोई भी हाइपर लिंक हम लोग कैसे डाल सकते हैं अपने वेब पेज में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या किए, यूट्यूब का लिंक डालने के लिए जस्ट यहाँ पे बॉडी के अंदर ए लेके एड्रेस, मतलब यहाँ पे ये लिंक यूट्यूब से लेके हम लोग डाल चुके हैं कॉपी करके, यहाँ पे आप लोग डाल देंगे सिंपल। उसके बाद इसको ए को बंद करेंगे, फिर दीपक टेक्नोलॉजी मैंने लिख दिया ए। अब ये दीपक टेक्नोलॉजी क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम लोग दीपक टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट अपने लिंक यूट्यूब में चले जाएंगे। देखते हैं कैसे इसको आउटपुट में। अब हम लोग आउटपुट में आ गया, देखिए यहाँ दीपक टेक्नोलॉजी आया, लिंक नहीं आया। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। हम लोग नोट पैड में क्या किए थे कि एच आर लिख के ये जो हम लोग दे दिए थे, ये यूट्यूब से एक लिंक क्लिक कर लिए थे, उसके बाद दीपक टेक्नोलॉजी लिख दिए। दीपक टेक्नोलॉजी क्यों किए, क्योंकि लिंक जो हमारा वेब पेज में शो करेगा वो दीपक टेक्नोलॉजी। जब हम दीपक टेक्नोलॉजी पर क्लिक करेंगे तब हम यूट्यूब में चले जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोग देखें यहाँ पे दीपक टेक्नोलॉजी है। अब हम इस पे जनरली क्लिक करते हैं। नेट थोड़ा स्लो है तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसमें आ गए हैं, यूट्यूब का होम पेज पर आ गए। कैसे हम लोग क्या किए, जस्ट अगर हम लोग इसको फिर से देखें, इस दीपक टेक्नोलॉजी पे हम लोग क्लिक किए थे। दीपक टेक्नोलॉजी पे क्लिक करने पर देखिए आप लोग को सिंपली जो है वो दीपक टेक्नोलॉजी का होम पेज आ जाएगा। देख रहे हैं ये आ गया। इसी तरह से हम लोग अपना YouTube का वीडियो डाल सकते हैं अपना होम पेज में। तो यहाँ पे अपना एक इमेज भी रख सकते हैं, उस इमेज पे अगर हम लोग क्लिक करें तो हम लोग डायरेक्ट अपना होम पेज YouTube का वीडियो अपना होम पेज में चला सकते हैं। देखते हैं वो कैसे होता है। हम लोग जैसे अभी दीपक टेक्नोलॉजी पे क्लिक किए तो वहां पे चले गए, तो हम लोग को दीपक टेक्नोलॉजी हटा के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इमेज डाल देना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज डालने के लिए इमेज सोर्स ले लिए। अब जस्ट यहाँ पे इमेज को कॉपी करके डाल देंगे, हो जाएगा फिर हम लोग का इमेज। हम लोग अब इस नाम को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पे सिंपली। हम लोग इसे कॉपी कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके डॉट जे पी जी लिख देंगे, बस हो गया। इमेज के लिए कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता। अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा, मतलब अब अगर हम लोग इमेज पर क्लिक करेंगे तो अपना हमारा यूट्यूब का वीडियो खुल जाए। देख रहे हैं आप लोग इमेज यहाँ पे आ गया, हम लोग का इमेज जो है वो बहुत बड़ा आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज को साइज में लाने के लिए, सही शेप में लाने के लिए यहाँ पे हाइट और विड्थ दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पे हाइट ले लिए 200 पिक्सल और विड्थ भी ले लिए 200 पिक्सल। इससे हम लोग का सही शेप में आ जाएगा इमेज। अब देख रहे हैं हम लोग का जो इमेज है वो शेप में आ गया, मतलब छोटा हो गया इमेज। अब हम लोग जस्ट इमेज पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि हम लोग इमेज पे क्लिक कर लिए तो हम लोग का यूट्यूब का वीडियो आ गया। यहाँ से हम लोग वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं, इस पे जाके जनरली कर सकते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कितना आसानी से एक मतलब कोई भी मतलब यूट्यूब का लिंक अपना वेब पेज में यूट्यूब का वीडियो चला सकते हैं हम लोग इमेज के द्वारा, या क्लिक हेयर फॉर दीपक टेक्नोलॉजी, कुछ भी चीजें एक ले लेंगे जिस पे हम लोग, जैसे कि इमेज हम लोग लिए तो देख रहे हैं कि हम लोग
इमेज पे जाते ही हम लोग जब इमेज पे क्लिक कर देते हैं तो हम लोग का जो है यूट्यूब का वीडियो खुल जा रहा है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना वेब पेज में यूट्यूब का वीडियो डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।